नमस्कार दोस्तों, हम आज एक ऐसी बस यात्रा कर रहे हैं। इस बस में ड्राइवर के साथ साथ दो बस लवरों ने बस को सजाया है। ऐसा भी होता है कि कोई बस लवर अपने पैसों से बस की सजावट करते हैं। तो चलो, कैसा है आज का इस बस का सफर और कौन है वो दो बस लवर, सारा कुछ जानेंगे। आज के इस बस जर्नी में लास्ट तक बने रहना, रूट और टाइमिंग और फेयर से लेके सारा कुछ शेयर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेवल जियो ब्लॉग में। और वैसे तो आपने मेरा थंबनेल और टाइटल देख ही लिया आज की मैं कहाँ पे आया हूँ। तो मैं आया हूँ आज वलसाड़ बस स्टेशन पे और यहाँ से एक खूबसूरत सी बस जर्नी हम आज करने वाले हैं। तो मैं खड़ा हुआ वलसाड़ वर्कशॉप में और यह है कुछ इस तरह से वर्कशॉप पूरा। ये सारी बसें यहाँ पे होल्ड पे लगी हुई है, आप देख सकते हो। और ये तरफ है ना, मेरे डीजल का फिलअप वगैरह करती है बसें, और यहाँ से डीजल फिलअप वगैरह करके बसें आगे जाती है। और कोई भी बस आगे से आती है ना, तो वलसाड़ डिवीजन में आकर वो डीजल वगैरह फिलअप करती है। मतलब वलसाड़ को क्या कहेंगे, मतलब वलसाड़ में आपको पता है कि यहाँ पर एक तितल करके बीच है, काफ़ी टूरिस्ट पब्लिक यहाँ पर घूमने के लिए आती है, एंजॉय करने के लिए आती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्वामीनारायण जी का मंदिर है तितल पे ही, वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं दर्शन के लिए। और बात करूँ तो वलसाड़ एक मैंगो सिटी है, और आज इस मैंगो सिटी से हम जूनागढ़, यानी वो भी एक मैंगो सिटी है, तो मैंगो सिटी टू मैंगो सिटी आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। आपको तो पता ही है वलसाड़ में हापुस काफ़ी फेमस है, और हापुस आम यहाँ की एक स्पेशलिटी है, और जूनागढ़ में केसर की स्पेशलिटी है। तो आज इस मैंगो सिटी से उस मैंगो सिटी तक का आज का हमारा सफ़र इस खूबसूरत सी, पीछे खड़ी है हमारी बस, इस दमनगंगा डिवीजन की वलसाड़ जूनागढ़ बस में। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, काफ़ी अच्छी सजाई हुई है। इस बस को सजाने में टोटल तीन लोगों का हाथ है, तो वो कौन है तीनों लोग, तो वो भी हम सारा कुछ आपको बताएंगे, सारा कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बस का इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं और इस खूबसूरत जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप देख सकते हो इस वर्कशॉप में पीछे मेरे एक हनुमान जी का मंदिर है। तो पहले शुरुआत वहाँ से ही करेंगे। ड्राइवर साहब का ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर जो भी ड्राइवर बस जर्नी के लिए जाते हैं, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करके ही जाते हैं। तो चलो आज हम इस वीडियो की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन से ही करेंगे, और फिर ही बस के पास जाएंगे और आपको पूरा डेकोरेशन दिखाएंगे, बस का इंटीरियर दिखाएंगे। तो आइए। यहाँ पर देख सकते हो आप, बस का शीशा पूरी तरह से हमारे जो ड्राइवर साहब है हितेश भाई साफ कर रहे हैं, क्योंकि पूरी 14 घंटे की जर्नी है और पूरी नाइट जर्नी होने वाली है, उस वजह से कांच वगैरह साफ करना बनता ही है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो शीशा है आगे का, उसको अंदर की ओर से भी पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है। देखो, जो हमारे आज के जो पायलट सर हैं हितेश भाई, वो ये साइड से कर रहे हैं, और ये सेकंड ड्राइवर है जो इस बस में चलते हैं, बट ये आज सिर्फ वडोदरा तक ही आने वाले हैं, वडोदरा उतर जाएंगे। हितेश भाई जो है हमारे पूरे जूनागढ़ तक साथ में रहने वाले हैं। तो ये है आज की हमारी खूबसूरत सी दमनगंगा डिवीज़न की वलसाड़ जूनागढ़ ऑरेंज कलर की स्लीपर कोच बस। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रूट बोर्ड में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है दमनगंगा रात रानी, ठीक है, और क्योंकि पूरा नाइट का रन होने वाला है इस बस का, उस हिसाब से रात रानी से कहते हैं। वलसाड़ से जूनागढ़ वाया सूरत, वडोदरा, राजकोट, वीरपुर, तो रास्ते में जो भी रूट आएगा वो सारा आपको दिखाऊंगा मैं। पहले एक बार आप पूरा डेकोरेट देख लो, रेडियम से भरी पूरी बस, कितनी खूबसूरत सी सजावट की हुई है इस बस की। तो सबसे आगे आप देख लो, झालर लगाई हुई है, जय गिरनारी यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयंती यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट बोर्ड हो गया नीचे, स्माइली सारी कुछ लगाई हुई है, हार अंदर दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए पूरा रेडियम से सजा हुआ, और आगे एक बम्पर लगाया हुआ है जो कि नहीं आता है। जो हितेश भाई ड्राइवर है, उन्होंने अपने खर्चों से ये पूरा लोखंड का इन्होंने ये बम्पर बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी बनाए रखता है बस में। अगर कोई भी जानवर वगैरह आ जाता है तो बस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। और यहाँ पे ये देखो, नज़र ना लगे उस हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ, तो वो हो गया। उसके बाद में साइड में और रेडियम का वर्क वगैरह किया हुआ है,
हेडलाइट्स के बाजू में भी रेडियम किया हुआ है। टाटा की बस है, दो हेडलाइट्स से आपको पता है कि दो हेडलाइट्स रहती है तो टाटा की बस रहती है, अशोक लेलैंड में सिंगल हेडलाइट रहती है। और यहाँ पे इन्होंने एलईडी लाइट्स वगैरह भी लगाए हुआ है, तो नाइट का नज़ारा भी हम आपको बताएंगे जब लाइटिंग्स वगैरह हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से है इस बस का खूबसूरत सा इंटीरियर, तो चलो अंदर लेके चलता हूँ आपको, अंदर का भी इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। और ये है कुछ साइड से व्यू, साइड में कुछ नहीं है, इतना सिंपल वगैरह है। अभी काफ़ी वर्क इसका इनका इस बस का होने वाला है। ड्राइवर साहब से मैं बातचीत भी करवाऊंगा, आपको पता है मेरे वीडियो में मैं एंड में ही बातचीत करवाता हूँ। और ये है पीछे का कुछ रेडियम वर्क, यहाँ पे लाडली लिखा हुआ है, मतलब लाडली आपको पता है ये प्यार से लाडली कहते हैं, तो ये उनकी लाडली है। वलसाड जूनागढ़ बस, वलसाड डिपो की बस है, और ये है बस का नंबर GJ18Z937। और पीछे भी रेडियम का काफ़ी अच्छा वर्क वगैरह किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर, और पीछे भी ये हो गया रूट बोर्ड। और ये दिखाना भूल गया था, डैशबोर्ड पे जो स्टेयरिंग है उसके सामने की ओर में जय माँ चामुंडा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और महादेव का तिलक यहाँ पे निकला हुआ है। और यहाँ पे ये हो चुका है GSRTC का लोगो, GSRTC की बैचिंग, और कृष्ण सदा सहते यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस में चढ़ने से पहले, बस का इंटीरियर बताने से पहले, बस का डेकोरेशन बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपको हमारे कंडक्टर द्वारा से मिलवाता हूँ। ये नवीन भाई है, और ये आज इस बस की जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, उसके पहले जो पूजा पाठ की जाती है, तो सबसे पहले अभी भगवान जी को आरती अर्चना पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे करेंगे। माँ अम्बे का मंदिर इस बस में लगाया हुआ है, और अभी नवीन भाई यहाँ पे अगरबत्ती करेंगे, उसके बाद में हम आगे की ओर में बढ़ेंगे। और ये पूरा हमारा स्टाफ है, और साथ ही साथ ही काफ़ी बहुत सारे ड्राइवर्स लोग मुझे मिलने आए, बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पे डेपो है, और मैंने आपको जैसे बताया, और ये है वलसाड़ का पूरा बस स्टेशन, और यहाँ पे 7 नंबर के प्लेटफॉर्म पे हमारी बस लगेगी, और उसके बाद में हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे। व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। टाइम हुआ है अभी 6:33, और अभी बस हमारी 7 बजे निकलने वाली है, तो 6:45 को प्लेटफॉर्म पर लगेगी और 7 बजे यहाँ से शार्प निकलेगी। तो चलो चलते हैं अंदर, और अंदर का आपको इंटीरियर दिखाते हैं। सबसे पहले ये है कैबिन का व्यू, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये टाटा का लोगो स्टेयरिंग पे, और पूरा स्टेयरिंग का कवर इन्होंने लगाया हुआ है। ये है ड्राइवर का सीट, काफ़ी अच्छा है, और ये जो विंडो है उसके ऊपर में भी बढ़िया से झालर लगाई हुई है, यहाँ पर फैन मिल जाता है। और सबसे पहले जलाराम बापा जी का यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है ये, और हितेश भाई ड्राइवर जी को मैंने पूछा ना, तो उन्होंने बताया कि ये जो स्टिकर है जलाराम बापा जी का, जो ओरिजिनल वाला जो उनका जो मतलब फ़ोटो है वो वाला मैंने वहाँ से वीरपुर से ही लिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक नहीं दो दो हार है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो झालर मैंने दिखाई, तो ये टोटल जो दो झालर है, एक अंदर से एक बाहर से, तो काफ़ी अच्छी इसका व्यू वगैरह आ रहा है। यहाँ पे ग्रास लगाया हुआ है दोनों तरफ में, इंजन का हीटिंग वगैरह आपको नहीं आना चाहिए उस हिसाब से। और ये रूट बोर्ड तो मैंने आपको दिखाई दिया है, साथ ही साथ ये आपको मैंने बुलबुल एक्सप्रेस में दिखाया था, काफ़ी अच्छा लगता है ये, तो ये भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके बाद में ना यहाँ पे देखिए वाव एकदम कृष्णा लागे, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेन चल रहा है फिलहाल, और ये यहाँ पर भी लगाया हुआ है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये दो इंस्टाग्राम की आईडी है, जिसकी मैं आपको पहले बात कर रहा था कि दो मेंबर, टोटल 3 मेंबरों ने इस बस को सजा हुआ है, तो उसमें से एक है GSRTC JND और एक है GSRTC लाइफलाइन। तो दोनों से मैं आपको मिलवाऊंगा भी, तो उसमें से एक आएंगे हमसे मिलने के लिए जूनागढ़ में, और एक आएंगे सूरत में, तो दोनों से मुलाकात करवाऊंगा। और तीसरे है हमारे ड्राइवर भाई हितेश भाई, जिससे मैंने आपको मिला लिया, और उनसे आगे हम बातचीत और भी करेंगे। तो ये है कुछ इस तरह से बस का इंटीरियर, 2x1 का इंटीरियर आपको पता ही है, जैसे कि नीचे 30 सीट होती है, ऊपर में 15 स्लीपर होते हैं। और ये है डबल का स्लीपर, आपको हमेशा मैं दिखाता हूँ, कंफर्ट सोफा मिलता है, बैक रेस्ट मिलता है, चार्जिंग सॉकेट मिलता है, रीडिंग लाइट मिलता है, एसओएस सिस्टम मिलता है,
शू रैक मिलता है, कर्टन दोनों तरफ मिलते हैं आपको प्राइवेसी के लिए, एक हैंडल मिलता है आपको सपोर्ट के लिए, नीचे आपको 2x1 का कॉम्बिनेशन देता है, सेम पुशबैक की सीटें रहती है, हैंडरेस्ट आपको मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद में सेम वैसा ही आपको सिंगल सीट में भी वैसा ही आपको इंटीरियर मिल जाता है और पीछे आपको इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर मिल जाता है। और गर्मी भाई साहब यहाँ पे बहुत है, फिलहाल 6:30 बजे और अभी का यहाँ का करेंट टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी हीट है, काफ़ी पसीना आ रहा है। और अभी थोड़ा नीचे जाता हूँ, आधा घंटा है बस को, थोड़ा मुंह वगैरह धो लेते हैं और जर्नी को करते हैं स्टार्ट। और अभी बस लगी है प्लेटफॉर्म पे, पैसेंजर वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा और उस हिसाब से मैंने सोचा कि आपको इंटीरियर वगैरह दिखा दूँ और अंदर का भी एक्सटीरियर वगैरह दिखा दूँ। तो बस कैसी लगी और आज इस पूरे वीडियो में बने रहना, तो आज एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ तो साथ बनाए रखना। अभी लाइट्स वगैरह ड्राइवर साहब ने ऑन कर ली है और बस भी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, तो चलो नीचे चलता हूँ, थोड़ा फ्रेशअप वगैरह हो जाता हूँ, फिर करेंगे जर्नी की शुरुआत। और लग चुकी है हमारी बस प्लेटफॉर्म पर और ये है वलसाड़ का बस डिपो। काफ़ी अच्छी वाइब यहाँ पर अभी आ रही है क्योंकि सूरज अभी हल्का सा नीचे गया है, छाव अच्छी सी आ गई है और खूबसूरत सी जर्नी का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी कर रहे होंगे। तो बढ़िया से और 15 मिनट और बाकी है, उसके बाद में 7:45 बजे लेकिन लग नहीं रहा है, थोड़ा सा और 15 मिनट के बाद में बस यहाँ से निकलेगी और करेंगे खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत। और टाइम हुआ है अभी 6:55 और 7 बजे का टाइम है हमारा बस का, खूबसूरत सी हमारी वलसाड़ जूनागढ़ तैयार है अपने डिपार्चर के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर में और आपको डिपार्चर दिखाते हैं। और देखो जूनागढ़ पहुंचने का टाइम है इसका सुबह 9:45, तो टोटल जर्नी होने वाली है 14.5 घंटे की, पकड़ लो आप 14.5 से 15 घंटे की जर्नी होने वाली है, तो पूरी नाइट जर्नी होने वाली है। और सुबह 10 बजे तक भी अगर बस जाती तो वो भी मैं आपको दिन का भी शॉर्ट कुछ आपको दिखाऊंगा। और अभी भी थोड़ा हल्का उजाला है तो अभी भी वलसाड़ से जो डिपार्चर होने होगा तो उसका भी शॉर्ट मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। निकल चुके हैं वलसाड़ से और ये है कुछ इस तरह से वलसाड़ से का नज़ारा। तो बस निकल चुकी है वलसाड़ बस स्टेशन से और आ चुके हम काफ़ी बाहर। और अभी बात करूँ ना तो बस तो पूरी ऑनलाइन पे पैक है और एक भी सीट इसमें खाली नहीं है, ठीक है। तो हर जगह से अलग अलग बोर्डिंग रहेगी, जैसे चिकली से है, बिल्लीमोरा से है, सूरत से है और गणदेवी से भी है, तो जो भी है नवसारी है, सूरत, बड़ौदा, हर जगह से मतलब पैसेंजर आएंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, तो सारा कुछ ऐसा प्रोसीजर रहेगा। पूरी डिमांडेड वाली बस है ये, एनी टाइम आप कभी भी देखोगे ना तो वलसाड़ से जूनागढ़ बस हमेशा पैक जाती है। अब जूनागढ़ से वलसाड़ का भी चेक करोगे ऑनलाइन पे तो उसमें भी आपको पूरा बस ये ऑनलाइन पे पैक ही दिखता है। लोग इस रूट में इस बस को इतना पसंद करते हैं ना, तो मतलब ये जो हितेश भाई ड्राइवर साहब आज के हमारे हैं ये इस रूट में नाम से चलते हैं। मतलब इनके बारे में आपको बता दूँ, पब्लिक जैसे बस में चढ़ती है अगर दूसरे कोई ड्राइवर साहब अगर देख लेते तो सबसे पहले वो उनको वही बोलते कि हितेश भाई कहाँ पे है। मतलब इस रूट पे हितेश भाई ज़्यादा पॉपुलर है। तो वलसाड़ जूनागढ़ का आज का इस रूट में पूरा रूट हम हितेश भाई के साथ में ही कवर करने वाले हैं। हितेश भाई पूरे जर्नी में जूनागढ़ तक नॉन स्टॉप ड्राइविंग करने वाले हैं और पूरा हमारे साथ ही रहने वाले हैं। उनसे भी बातचीत करवाएंगे, जैसे जैसे फ्री होंगे वो आपको बताया कि मेरे वीडियो में मैं ड्राइवर और कंडक्टर से बात आखिरी में ही करवाता हूँ, तो उस हिसाब से जैसे वो फ्री होंगे थोड़ी थोड़ी बात करते जाएंगे और आखिरी में भी बात जरूर करेंगे। फाइनली लग चुके हैं नेशनल हाईवे 8 पर और हाईवे की कैबिन लाइट भी आपको ज़रूर से मैं दिखाऊंगा। उजाला अच्छा है, कैबिन लाइट भी अच्छी आपको दिखेगी। नाडोल बोरीवली
आ चुका हूँ अंदर की ओर में, जो एक नंबर दो नंबर की सीट रहती है सबसे आगे, वहाँ पर अभी कोई नहीं है फिलहाल में, पीछे भी कोई नहीं इतना, मतलब मैंने बोला आपको पल्सर से चार या पांच ही पैसेंजर बैठे हैं, सब आगे से आने वाले, तो थोड़ा अंदर आके बैठा हूँ, मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज करता हूँ क्योंकि मैं कुछ आगे से आया हूँ तो मोबाइल मेरा थोड़ा सा डाउन है, तो थोड़ा सा चार्ज करता हूँ, आपसे मिलता हूँ चिकली पे। टाइम हो चुका है अभी 7:27 और ये चिकली बस स्टैंड की तरफ में अभी हम जा रहे हैं। आगे हमारी चल रही है पाटन सिल्वास पाटन, जो कि आगे आगे हमारे रहने वाली है, कुछ इस तरह से चिकली का बस स्टैंड, और अभी 35 किलोमीटर की जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम पहुँचे चिकली बस स्टैंड। यहाँ से एक दो पैसेंजर ऑन बोर्ड हुए हैं बस के अंदर में, और साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी है हमारे सिल्वास से पाटन, ये दोनों बसें साथ साथ ही चलने वाली हैं। और एक चीज़ मैंने अभी गौर की है, जो ड्राइवर सर की जो विंडो है उसके ऊपर में आप देख सकते हो, तुम रक्षक काहू को डरना, बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी मैंने देखा क्योंकि यहाँ पे झालर लगी हुई थी, तो वो झालर अभी ड्राइवर साहब ने हटाई कि यार यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो मुझे आपको बताना था इसलिए स्पेशली वो झालर निकाली है, अब वापिस से लगा देंगे, काफ़ी अच्छा है ये तुम रक्षक काहू को डरना, तो हनुमान चालीसा की याद आ गई यहाँ पर। तो अभी निकल चुके हम चिकली बस स्टेशन से बाहर, अब यहाँ से हम जाएंगे बिल्ली मोरा, और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ से अभी ना हम ये सामने आप रोड देख रहे हो, ये नेशनल हाईवे के नीचे से रोड जा रहा है सीधा बिल्ली मोरा की ओर में, काफ़ी लोग यहाँ से गए भी होंगे और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हम बिल्ली मोरा जाएंगे और बिल्ली मोरा से हम जाएंगे सीधा गणदेवी, और गणदेवी से हम जाएंगे सीधा नवसारी, और नवसारी से हम सीधा जाएंगे सूरत, तो ये पूरा अंदर अंदर से हम जाएंगे, इसमें नेशनल हाईवे बिल्कुल नहीं आएगा, और सीधा हम सूरत से फिर कामरे जाएंगे, और कामरे से फिर से हमें नेशनल हाईवे 8 हमें लग जाएगा। सात बज के 50 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं बिल्ली मोरा के बस स्टेशन पे, और कुछ इस तरह से बिल्ली मोरा का बस स्टेशन, तो मात्र दो पैसेंजर थे यहाँ पर ऑनलाइन के, उनको लेके देखो हम जस्ट यू टर्न भी ले रहे हैं, निकल रहे हैं, मात्र दो पैसेंजर यहाँ से लिए हैं क्योंकि ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, दो दो मिनट के ही हॉल्ट है यहाँ पर, तो बस पैसेंजर को लेने आना पड़ता है, उनको लेके तुरंत हम निकल रहे हैं बिल्ली मोरा। टाइम हुआ है 8:28 और बस आ चुकी है नवसारी के बस डेपो पे, ये अभी बस हमारी रिवर्स जा रही है और काफ़ी अच्छा सफ़र अभी तक हमारा चल रहा है, और काफ़ी अभी यहाँ पर पैसेंजर ऑन बोर्ड होने वाला है, और अभी नाइट जर्नी के लिए देखो स्लीपर सारी यहाँ पर लगी हुई है, और ये कुछ इस तरह से नवसारी का डेपो, आगे बैठ के एकदम वो बालों की हालत भी है, मतलब जो हवा आ रही है कैबिन राइड में तो काफ़ी बाल वगैरह उड़ रहे हैं, और अभी दो दो मिनट का ही हॉल्ट है सिर्फ, मतलब ड्राइवर सर नीचे उतर ही नहीं रहे, जो दो चार पैसेंजर है ऑनलाइन के उनको लेके तुरंत नवसारी से अभी निकल जाएंगे, तो चलो मैं जा रहा हूँ, ड्राइवर सर बुला रहे हैं। ये अच्छा ओके ओके, हाँ छोटा सा रोड एकदम, अच्छा ये कौन सा मंदिर है, पूर्वा माता जी नु मंदिर, अंबे माँ, एकदम डिफिकल्ट टर्न है, और आ चुके हैं सूरत रेलवे स्टेशन, और आप ट्रैफिक देख लो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ये है सामने सूरत का रेलवे स्टेशन, और जस्ट इसके सामने की ओर में ही हमारा GSRTC का बस स्टैंड सीन, यहाँ से बस अंदर जाएगी। टाइम हुआ है 9:36 और आ चुके हैं द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत के अंदर में, और काफ़ी रश मिला लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर साहब ने काफ़ी अच्छी बस चलाई, और इतना रश है ना आपको तो पता ही, रेलवे स्टेशन का मैंने एक क्लिप बताया और ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं क्योंकि ट्रैफिक में वीडियो लंबा भी बन जाता है, तो काफ़ी अच्छी बस, अब काफ़ी अच्छा रूट अभी तक कवर हुआ है और काफ़ी अच्छा सफ़र भी चल रहा है, आगे की जर्नी भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ से भी कुछ ऑनलाइन के पैसेंजर बोर्ड होंगे उसके बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तो चलो चलते हैं बस की ओर में और आपको सूरत सेंट्रल के बस स्टैंड का भी कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं, और ये पार्किंग एरिया है और सामने की ओर में ये बस स्टेशन है, और ये सामने ही हमारी बस खड़ी है, ये देखिए भाई साहब रश देखिए सूरत बस स्टेशन का, ज़ोरदार रश। तो अभी सब्सक्राइबर लोग मिले हैं और मैं जा रहा था, इन्होंने पहचान लिया
तो थैंक यू सो मच आप सभी का। क्या नाम है आपका? चिराग भाई। चिराग भाई कहाँ से हो आप? आप सूरत से? सूरत से ही हो। तो ये मेरे वीडियो देखते हैं और काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे सब्सक्राइबर लोग मिलते हैं, प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और ऐसे ही वीडियो वगैरह देखते रहना, शेयर वगैरह करते रहना। आप अच्छे अच्छे वीडियो जरूर हम लोग देखते। जरूर जरूर सर, जरूर। निकल चुके हैं सूरत सेंट्रल बस स्टेशन से और आगे चल रही है पर्पल स्लीपर, बट उसका बोर्ड ही नहीं है, बट खेड़ ब्रह्मा डिवीजन की बस है। उमरगा मुंबई जी। अब सूरत से 100% बस पूरी पैक हो चुकी है, मतलब कंडक्टर साहब हमारे अंदर बैठे थे कब से, बाहर आ चुके क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा पैक है, एक भी सीट खाली नहीं है। मुझे लगा कि आगे से कोई और होंगे, लेकिन शायद आगे से हो भी सकते हैं, आगे से होंगे ना और कोई ऑनलाइन के पैसेंजर। हाँ है, तो मतलब बस में सीट पूरी पैक हो चुकी है। अब नए कस्टमर कोई आएंगे तो जगह ही नहीं है। अब जो आगे से ऑनलाइन के पैसेंजर आएंगे तो जो लोग बैठे हैं उनको उठना पड़ेगा, उनको सीट, उनकी सीट उनको देनी पड़ेगी, ये बोल के ही मतलब उनको बिठाया है। तो इतनी डिमांड है इस बस की। और अभी निकले हैं सूरत सेंट्रल बस स्टेशन से, अभी कामरेज की ओर में जा रहा है, फिर नेशनल हाईवे पे आपने मिलते हैं क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और मैंने चाहता हूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक का वीडियो शूट करो और वीडियो ज़्यादा लंबा करो। आ चुके हैं अभी कामरेज के आगे और देख लो यहाँ पे भंडार है लग्जरियों का। अगर आपको सौराष्ट्र साइड, काठियावाड़ साइड, भूज साइड कहीं पर भी जाना हो, इतनी ट्रैफिक लग्जरियों की यहाँ पे लाइन से लगी हुई है। और अभी नेशनल हाईवे 8 पे हम वापस लग रहे हैं क्योंकि हमने चिकली पे छोड़ा था, फिर से एक बार 8 नंबर पे आ चुके हैं। अब यहाँ से कैबिन राइड आपको दूंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। के बाजू में ही बैठा हूँ बढ़िया कैबिन में, बहुत ही बड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। जाम में आपको सिर्फ हॉर्न्स की आवाज़ सुनने में मिलेगी हर तरफ। आपको दिखाता हूँ मैं, आगे पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए करीबन मतलब ये सर्विस रोड पे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाए देख सकते हो, ये 3x में दिखा रहा हूँ, आप इसके आगे तो है नहीं है। और ये जो मेन रोड है ये भी पूरा स्टॉप है, आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दूर दूर तक पूरा जाम लगा हुआ है। और यहाँ पर भी देखो पूरा जाम ही जाम है, अब क्या पता कब खुलेगा, तब तक यहाँ पर ही इंतज़ार में। अभी हम अंकलेश्वर में पहुँचे हैं, 11:05 हो चुके हैं और यहाँ से हम आगे खाना खाने के लिए हॉल पे रुकने वाले थे करजन और पालेज के पास में। इतनी भयंकर गर्मी है कि मतलब बस में खड़े खड़े बैठे, मतलब जाम में खड़े खड़े गर्मी लग रही है क्योंकि हवा नहीं आ रही है। और आपको पता है भरूच अंकलेश्वर साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा है फिलहाल। ड्राइवर साहब हितेश भाई भी नीचे उतरे हवा खाने के लिए और ये जाम देखने के लिए। आप देखो ना इतना जाम है भयंकर तरीके से, गाड़ी हिलने का नाम तक नहीं ले रही है, दोनों तरफ में पूरी तरीके से स्टॉप है यहाँ पे। अब देखिए इतना लंबा है, अब शायद ही खुलेगा, उसके बाद में ही आगे का आपको बता पाऊँगा। और मालेगांव पाटन जिसमें मैंने हाल ही में ब्लॉग बनाया है और मिल गई फाइनली यहाँ पे, ट्रैफिक में जाम में लगी हुई है। क्रू देखना पड़ेगा कौन सा है, हमारे वाले हो गए तो मुलाकात हो जाएगी। ये ब्लॉग आप किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में डाल रहा हूँ, देख लेना, बहुत ही अच्छा ब्लॉग मैंने बनाया है ये मालेगांव से पाटन। और ट्रैफिक में मिल गई है लकीली ये बस। और ये रहा भरूच रेलवे स्टेशन जो कि मैं हर ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये ब्रिज के ऊपर से। ये शायद जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये आप देख सकते हो ये प्राइवेट लग्जरी। अब फिर से यू टर्न मार के पीछे की ओर में, मतलब अंकलेश्वर की ओर में जा रही है। क्या करें, जाम ही इतना है, पब्लिक बैठे बैठे परेशान हो रही है। 31 डिग्री सेल्सियस का अभी यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा है, गर्मी इतनी है नींद भी नहीं आ सकती मतलब लोगों को। रात के अभी बजे है 12 और अभी भी मतलब इतना मतलब माहौल ऐसा लग रहा नहीं है कि 12 बजे, आप देख लो पूरा ट्रैफिक जाम है। ये उटर मार के रिटर्न जा रही है, अरे नवसारी बगदाना बस हमारे बाजू में।
तो टाइम हुआ है 12:47, 1:45 है और रात को डिनर के लिए बस ने लिया है हॉल्ट। जगह है करजन करके और पीछे होटल है प्राइम। प्राइम होटल है ये, मतलब जो GSRTC का जो टेंडर रहता है वही वाली होटल है। और अभी तो कुछ खाने की इच्छा है नहीं है, बाकी ड्राइवर साहब ने इनवाइट किया है तो मैं थोड़ा सा उनके पास जाके बैठूंगा, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि मतलब कैसा रहता है क्या रहता है। बाकी इच्छा तो बिल्कुल है नहीं है। बाकी बसों का सिलसिला यहाँ पे चालू ही रहता है आने जाने का, प्राइवेट लग्जरी कहो या GSRTC की बसें कहो। पीछे सॉन्ग चालू है इसलिए मैं एकदम दूर आके मतलब बात कर रहा हूँ आपसे। इतना जाम लगा था ना कि उस जाम की वजह से बिल्कुल मतलब परेशान हो गए सब जन, मैं ही नहीं मतलब बस के सारे लोग। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना कि नर्मदा ब्रिज पे लगा था, उसके पहले अंकलेश्वर पे लगा था। मुझे लगा जब मैंने आपको भरूच रेलवे स्टेशन दिखाया ब्रिज से, मुझे लगा कि अब आगे क्लियर होगा। जब वो GNFC वाला रोड आता है ना, आपने देखा होगा, वहाँ पर फिर से जाम था। मतलब आपको क्या बताऊँ, अब कोई वर्ड ही नहीं है। काफ़ी मुश्किल से हाईवे पे लगे और यहाँ तक आए हैं। तो अब यहाँ से एकदम क्लियर रहेगा रोड। अब नेक्स्ट हॉल्ट आएगा सीधा वडोदरा। वडोदरा तक आपको मैं थोड़ा कुछ कैबिनेट दिखाऊंगा, वडोदरा बस स्टेशन दिखाऊंगा। नींद काफ़ी आ रही है, खाने की इच्छा भी नहीं है। बाकी देखते हैं अंदर जाएंगे, थोड़ा सा कुछ रहेगा, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद में वडोदरा तक जितना हो सके उतना दिखाऊंगा, वडोदरा तक भी दिखाऊंगा आपको। वैसे बस लेट काफ़ी चल रही है। आए अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और बैठे, सारा स्टाफ हमारा यहाँ पे बैठा है, देख सकते हो, कंडक्टर साहब, ड्राइवर साहब, और अनाउंसिंग कंटिन्यू चालू, आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। बाकी मेरी थाली खाली है अभी, इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दाल चावल खा लूँगा मैं, ड्राइवर साहब फोर्स कर रहे तो आए बैठे हैं अभी। चलो खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आगे की जर्नी के। तो 2:02 हो चुके रात के और आ चुके वडोदरा सिटी में। ये रही पीछे हमारी बस और यहाँ से एक भी पैसेंजर नहीं है क्योंकि बस ऑलमोस्ट हमारी पूरी पैक हो चुकी है और काफ़ी लोग तो सोए हुए हैं। और इतना खूबसूरत है ना ये बस स्टैंड, हमेशा मैं दिखाता हूँ, काफ़ी बसों में छूट गया था लेकिन ये वाले ब्लॉग में इस बस स्टेशन को मैंने कवर कर लिया। अब आ रही है बहुत सारी नींद, 2:00 है, देखते हैं अभी यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ तक कैबिनेट ले सकता हूँ, उसके बाद में कोशिश करूँगा और बैठने की, लेकिन अगर नींद आ जाती है तो फिर मिलूँगा जहाँ पे सुबह मॉर्निंग की चाय लेंगे उस वक्त। रात के 2:00 और वडोदरा बस स्टेशन की आप हलचल देख लो, मतलब लग नहीं रहा है कि रात के 2:00 बसों का आना जाना चालू है, पब्लिक यहाँ से वहाँ हो रही है। देखिए वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग के बजे हैं 4:52, यानी 5:00 हैं और अभी हम पहुँचे हैं लिमड़ी में। लिमड़ी से हालांकि कुछ 3-4 किलोमीटर आगे में ये नंदनवन करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मॉर्निंग का चाय पानी के लिए बस ने और वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया है। वडोदरा के बाद में इतनी भयंकर नींद आ गई ना कि मतलब मुझे बताना था कि वडोदरा बस स्टैंड आया है, तो मैंने होटल से नींद आ रही थी लेकिन मैंने वडोदरा पूरा कवर किया और आपको वडोदरा बस स्टेशन वगैरह दिखाया। और वडोदरा से हम जब निकले तो बहुत ही भयंकर वाली नींद लग गई और सीधी नींद अब यहाँ पर खुली है। उसमें भी ड्राइवर साहब ने उठाया मुझे, मैंने उनको बोल के रखा था कि आप मुझे उठाना, सोने मत देना, तो उठाया उन्होंने, अच्छी बात है, तो हमने उठा, लगभग 2-3 ही लोग उठे और हम बाहर आए चाय पानी के लिए। अब धीरे धीरे लोग उतर रहे और चाय वगैरह लेते हैं और यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से 230-240 और समथिंग कुछ मतलब जर्नी बाकी है, तो 4-5 घंटे और लगेंगे यहाँ से, तो काफ़ी मज़ा आएगा, दिन का भी थोड़ा जर्नी शूट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अंदर, चाय पानी लेते हैं, उसके बाद में इस जर्नी को कंटिन्यू। चाय वगैरह ले ली और बस स्टॉप से निकल रहे हैं अभी हम, मात्र 10 मिनट का हॉल्ट था तो उतने समय में सारा कुछ निपटा के अभी जा रहे हैं। चाय वगैरह भी हो गए, मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि मॉर्निंग का समय था और कंडीशन उतनी है नहीं थी, मुँह वगैरह थोड़ा धोना वगैरह, वॉशरूम जाना, चाय वगैरह देना, तो फटाफट से सारा कुछ हो गया और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उस वजह से सारा कुछ एडजस्ट करके चलेंगे। तो चलो निकलते हैं और आगे की जर्नी करते हैं कंटिन्यू।
आ चुके हैं छोटीला में, और पीछे देख सकते हो मंदिर है, यहाँ से पूरा ऊपर वो रोड जाता है पहाड़ पे। तो कभी आएंगे नेक्स्ट टाइम दर्शन करेंगे फुर्सत से, तो अब निकलते हैं, पैसेंजर को छोड़ दिया है। सब टाइम हुआ है 7:05 और पहुंच चुके हैं राजकोट के बस स्टेशन पे। अभी तक हमारे जर्नी को 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। शाम को 7 हम चले थे और राजकोट में पहुंचते 12 घंटे अभी हो चुके हैं। ये रही हमारी खूबसूरत सी वलसाड जूनागढ़ बस, और ये है राजकोट का सुबह का नज़ारा। काफ़ी पब्लिक उतरी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर में हमारी बस यहाँ पे खाली हो चुकी है। और ये भी राजकोट जूनागढ़ जा रही है, मिनी एसी बस निकल चुके हैं राजकोट बस पोर्ट से। टाइम हुआ है 8:12 और अभी हम आ चुके हैं वीरपुर के बस स्टेशन पे, और ये है कुछ इस तरह से वीरपुर का बस स्टेशन। और यहाँ पे खड़ी है ये पर्पल वाली स्लीपर धर्मपुर वीरपुर, और ये है प्लेटफॉर्म, और कुछ इस तरह से है ये वीरपुर का बस स्टैंड। और वीरपुर के बारे में आपको पता ही है कि जलाराम बापा का यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, और काफ़ी श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और अभी हम आ चुके हैं जेतपुर में, कुछ इस तरह से नज़ारा जेतपुर का, अभी अंदर जा रहे हैं हम। ये है जयपुर का बस स्टेशन। टाइम हुआ है 8:35 और आ चुके हम जयपुर के बस स्टेशन, और ये है कुछ इस तरह से जयपुर का बस स्टेशन। ये राउंड वाला बस स्टेशन है, यहाँ से बस आती है पीछे से और ऐसा राउंड करके फिर वापस ये तरफ से बाहर निकलेगी। तो यहाँ तक 13.5 घंटे की जर्नी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, और ये रही हमारी खूबसूरत सी बस। अब आखिरी स्टॉप हमारा जूनागढ़ी रहने वाला है, तो और कैबिनेट थोड़ा सा हो सके तो आपको दिखाएंगे, और मिलेंगे सिर आप जूनागढ़। तो फाइनली पहुंच चुके हैं जूनागढ़ बस स्टेशन, और यहाँ पर है ना ये पैसेंजर छोड़ने का एक पॉइंट है, और कुछ लगेज वगैरह जो बस में था वो सारा कुछ अब यहाँ पे निकाल लिया है। और ये है पीछे की साइड में पूरा जूनागढ़ बस स्टेशन। यहाँ पे एसी बस खड़ी है जो जूनागढ़ से राजकोट चलती है, और बाद में जो भी डिलक्स एक्सप्रेस बस है वो सारी कुछ खड़ी है। और ये खूबसूरत सा जूनागढ़ बस स्टेशन है, और आप देख सकते हो अभी बस स्टैंड में पैसेंजरों को छोड़ने के बाद में हम आ चुके हैं जूनागढ़ के वर्कशॉप में, और सामने खड़ी है हमारी खूबसूरत सी वलसाड जूनागढ़ बस। अब यहाँ पर है ना डीजल फिलअप होगा, क्योंकि जब बस आज रिटर्न में जाएगी दोपहर में, तो उस वक्त वो सीधी यहाँ से बस स्टेशन जाएगी, तो जो पेंडिंग काम रहते हैं वो पहले ही किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर डीजल फिलअप होगा, बस की साफ सफाई होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ड्राइवर साहब ने ऑलरेडी शीशे पर पानी वगैरह मार दिया है, और साफ़ सफाई करना स्टार्ट भी हो चुके हैं। आईना वगैरह पूरी तरह से साफ हो चुका है, ये देखो ये पानी वगैरह मार के पेपर वगैरह से साफ यहाँ पर करना स्टार्ट भी हो चुके हैं। और डीजल के लिए ऑलरेडी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, और डीजल फिलअप हो रहा है, क्योंकि जब दोपहर में निकलेगी तो सीधी यहाँ से वो बस स्टैंड जाएगी।
ये देखो एक साइड में डीजल फिलअप हो रहा है और एक साइड में हितेश भाई शीशा साफ कर रहे हैं। इनकी आदत है जब भी ये वलसाड़ से जूनागढ़ जाओ या जूनागढ़ से वलसाड़ जाओ, इनका कहना ऐसा है कि बस में जब डीजल डालते हैं तब तक मैं मेरा आगे का काम पूरा रेडी कर लेता हूँ और अंदर में साफ सफाई वगैरह भी वो अभी करने वाले हैं अंदर जाने के बाद में। तो एक बार मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ ये सारे कुछ, क्योंकि मुझे भी आगे और निकलना है। यहाँ पे अभी हितेश भाई साफ सफाई करेंगे, उसके बाद में हम हितेश भाई से और हमारे कंडक्टर साहब से बातचीत करेंगे। तो फाइनली 9:51 हुए और हम आ चुके हैं फिर से बस डेपो में, क्योंकि जो बस डीजल फिलअप के लिए गई थी और वहाँ से जो साफ सफाई वगैरह हुई, डीजल वगैरह डाला, उसके बाद में फिर रेस्ट के लिए आप यहाँ आइए। यहाँ से फिर इनका जो टाइम रहेगा वापस वलसाड़ से वलसाड़ जाने के लिए जूनागढ़ से, फिर उस टाइम में निकलेगी। तो चलो चलते हैं, हमारे ड्राइवर साहब से बातचीत करते हैं, कंडक्टर साहब से बातचीत करते हैं और उनका भी एक्सपीरियंस जानते हैं। वैसे तो 9:50 हम यहाँ पर शार्प पहुँच चुके हैं, अब बजे 9:50। तो ये है थे हमारे आज के ड्राइवर साहब हितेश भाई और ये है कंडक्टर साहब हमारे नवीन भाई, और दोनों से हम बातचीत करेंगे। और ये जो स्पेशल पर्सन है जो जूनागढ़ से ही है, जिसकी मैं आपको कल इनके बारे में आपको मैं बता रहा था, जो डेकोरेट बाय लिखा हुआ है डोर पे, जो इस बस को डेकोरेट करने में जो सहायता मिली है हितेश भाई को और इस खूबसूरत से वलसाड़ जूनागढ़ रूट के बस को, तो वो उसमें से एक पर्सन ये है। इनका नाम है, इनके मुँह से आपको मैं इनका नाम सुनाता हूँ। आपका नाम बताओ। देवर्षि दवे। आप जूनागढ़ से ही? जूनागढ़ से। अच्छा, आपने जो बस सजाया तो अपने दिल से ही सजाया आपने? दिल से। अच्छा अच्छा, शौक है आपको, है ना? और ये बस से भी ज्यादा आपको प्यार है, ये रूट से प्यार है आपको? अच्छा, तो देवर्षि भाई मैंने सुना है कि आपके एक और मित्र है कृपाल भाई गोयल करके, वो सूरत में मिलने आने वाले थे लेकिन वो बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए चलो आप आ गए, थैंक यू सो मच। और मैंने सारे सब्सक्राइबर भाइयों को दिखा दिया कि आपने कितनी खुशी से मतलब इस बस को सजाया है, आपने और कृपाल भाई दोनों ने, और हितेश भाई आपका भी योगदान है, आप तीनों ने मिलके मतलब सजाया है। और देखो ऐसे प्यार करने वाले बस लवर्स आपके साथ में है तो आपको और क्या चाहिए, है ना? कुछ कार्य। और आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? सबसे पहले ये बताओ कि वलसाड़ से जूनागढ़ का सफर कैसा लगा? मेरा तो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, ओके। और टोटल कितना किलोमीटर हो गया अपना? ये अपना 670 से 80 किलोमीटर। अच्छा, 670 से 80 किलोमीटर के आसपास में हो गया, ठीक है। और ट्रैफिक काफी थी तो भी अपन राइट टाइम आ चुके हैं, मतलब अपने बस काफी अच्छा कवर किया, मुझे काफी अच्छा लगा। और आगे हमें कोई ट्रॉफिक वगैरह लगी नहीं वडोदरा के बाद में, खुला रोड था और आपने काफ़ी अच्छी बस वगैरह कवर की। यहाँ पर है हमारे आज के कंडक्टर साहब नवीन भाई, और नवीन भाई कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। और आप भी कितने साल से ड्यूटी कर रहे हो इस रूट पे? 12-13 साल से GSRTC में। और इस रूट पे कितने इतने साल से ही कर रहे हैं, जब से ड्यूटी पे लगा है वही। अच्छा, तब से आप इसी रूट पे हो? इसी रूट पे घूम। अच्छा, ओके। और आप सभी को एक खास बात मैं बता देता हूँ, ये बस जब स्टार्ट हुई थी दमनगंगा डिवीजन की वलसाड़ जूनागढ़ बस, तब जो फर्स्ट डे फर्स्ट रन हुआ था इस बस का, इनोग्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें हितेश भाई और नवीन भाई यही जोड़ी थी और आज भी यही जोड़ी साथ में है। जबकि नवीन भाई इस बस को चालू हो गए कितने दिन हो गए? जो बस में मैंने आपको डेट दिखाई है वापस आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो उस वक्त में हितेश भाई और नवीन भाई जब ये नई नई स्लीपर आई थी उस टाइम में, मतलब एक साल पहले, और 22 तारीख को मतलब इसका जन्मदिन है, बस का बर्थडे है, तो इसका सेलिब्रेशन भी कह रहे हैं कि देवर्षि भाई करने वाले हैं, साथ ही साथ में कृपाल भाई भी करने वाले थे लेकिन उनकी उसी दिन शादी है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो और आप क्या कहना चाहोगे हितेश भाई? बस और कुछ नहीं, इसकी वजह से तो नौकरी पे चल रहे हैं। अच्छा, और GSRTC में काम करने को आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही बस सजाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। और पैसेंजर में देख रहा हूँ काफ़ी लोग बस को कम जानते हैं, आपको ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर बोलते हैं कि वलसाड़ जूनागढ़ मतलब हितेश भाई, मतलब हितेश भाई फेमस है इस रूट के अंदर में, ठीक है। ये मैंने देख लिया, सुना था लेकिन आज देख भी लिया, काफ़ी लोगों ने बोला है कि अगर वलसाड़ जूनागढ़ में जाना है तो हितेश भाई के साथ ही जाना है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण है आपको ये पता है, लोगों का प्यार है आपके प्रति हितेश भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप GSRTC में सेवा करते रहो। नवीन भाई आपको भी धन्यवाद, हमसे बातचीत किया। और नवीन भाई के बारे में बताऊँ, नवीन भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें वलसाड़ से जूनागढ़ में, इनकी जो कंडक्टर सीट रहती है वो भी हमें बैठने के लिए इन्होंने दी है, तो धन्यवाद आपका भी नवीन भाई, ऐसा ही आप भी सेवा करते रहो GSRTC में।
और देवर्षि भाई आप भी ऐसे ही और आपके तरफ से जो भी सहायता जो भी योगदान सब करने वाला और करते रहो। और मैं चाहता हूँ कि ये भी ट्रेंडिंग में से बने GSRTC की ट्रेंडिंग ही है और भी ट्रेंडिंग में आए ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर GSRTC में सफर करें। वैसे तो बस काफी खूबसूरत लगी रही है और नाइट में जब लाइटिंग्स वगैरह हितेश भाई बता रहे कि आगे और इसमें क्या क्या आप लगवाने वाले हो। इसमें आगे लाइट लगवाने की है फिर इधर है वो जो ड्यूअल टोन की लाइट आती है हाँ। और नीचे चेजिस पे पूरा ड्यूअल टोन वाला लाइट लगवाने। अच्छा और व्हील कैप के बारे में भी आप बता रहे थे। व्हील कैप भी लगवाना। अच्छा मतलब लगभग और इसमें काफी अच्छा खासा आप खर्चा मतलब करने वाले हो। ठीक है तो ये कब तक हो जाएगा अंदाजे? ये बारिश आने तक हो जाएगा। बारिश आने तक हो जाएगा तो एक बार आपका ये जो पूरा हो जाएगा ना तो स्पेशली मैं रील बनाने के लिए आऊँगा। और आपको बता दूँ हमारे हितेश भाई का भी इंस्टाग्राम आईडी है मैं इस नीचे मेंशन कर रहा हूँ इनको ज़रूर फॉलो करना। ये इंस्टाग्राम पे आते हैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह बनाते हैं और जब आपकी बस पूरी सज जाएगी ना मैं स्पेशल रील बनाने आऊँगा हितेश भाई आपके बस की। तो चलो देवर्षि भाई हम भी निकलते हैं और चलो जाते जाते एक हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि GSRTC आपको इतनी अच्छी सेवा देती है कम पैसों में इतनी ज़्यादा बढ़िया सुविधा देती है सुरक्षित आपको अपने स्थान तक पहुँचा देती है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि बस को आप साफ सफाई रखें बस में पानी की बोतल वगैरह सब डस्टबिन में डालें। बस में आपको डस्टबिन की सुविधा दी गई है तो उसमें सब कचरा डालें सीट पर मत फैलाइए कचरा और बस को क्लीन रखिए। सही बात है ये काफ़ी अच्छा मैसेज है मेरे सारे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए और सारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई है और जितने भी वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है देवर्षि भाई ने। तो ऐसा ही सबने करना चाहिए इससे गंदगी नहीं फैलेगी बस की साफ सफाई बनी रहेगी और अच्छे से अच्छे पैसेंजर इसमें सफ़र कर पाएंगे। तो सब ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा और हम कहते हैं ना कि स्वच्छ सलामत और समयबद्ध ये ST का स्लोगन है सलामत सवारी ST हमारी। तो ये वाला डायलॉग हमेशा याद रखना और हमेशा स्वच्छ और सलामत रखना ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैंने ड्राइवर कंडक्टर से बात करा दी और इस बस में जिन्होंने अपना योगदान दिया है डेकोरेशन में कृपाल भाई और देवर्षि भाई। तो कृपाल भाई तो नहीं मिल सके लेकिन देवर्षि भाई जरूर मिलने आए यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी वो मिलने आए और काफ़ी अच्छे उन्होंने बाइक लेके आए थे तो उनके बाइक में कुछ शॉर्ट्स भी मैंने लिए हैं कुछ रील्स भी मैंने बनाई है। तो मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी है traveldeo_vlog123 नीचे आ रहा होगा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो मैं वहाँ पे लाइव अपडेट देता रहता हूँ और देवर्षि भाई को भी फॉलो कर देना हम दोनों कोलेब्रेशन में रहेंगे। और उन्होंने जो गाड़ी लाई तो उस पर काफ़ी अच्छे हमने शॉर्ट वगैरह बनाए और मैंने ब्लॉग में भी डाले हुए हैं। और ये ब्लॉग आपको वलसाड़ से जूनागढ़ का कैसा लगा हितेश भाई के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। तो मिलेंगे ऐसे ही नई नई जर्नी के साथ में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।